हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली एम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नीट यूजी काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का शेड्यूल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र सीईटी सेल नीट यूजी काउंसलिंग की। तो ये यहां पर नोटिस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, मतलब आज जो है तो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होंगी किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है आफ्टर 1 PM। ओके, उसके बाद जो सेकेंड राउंड है वो डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज रात में सेकेंड राउंड डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब सेकेंड राउंड की लिस्ट पूरी लग जाएंगी 9 PM को। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो जॉइनिंग है, आपको अगर कॉलेज लेना है तो आप 9 से लेकर 14 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रिटेंशन फॉर्म। और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड विशेज टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब अगर आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप रिटेंशन फॉर्म मत फिल कीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। ओके, अगर आपको जो राउंड में सीट अलॉट हो जाएंगी वो सीट अगर आपको लेना है तो वहाँ उसके बाद आपको रिटेंशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर और एक नोट दी गई है, फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज़ चॉइस ऑफ कैंडिडेट ओनली। ओके, तो आपकी खुद की चॉइस रहेंगी ये, आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट फोर्स नहीं करेगा कि हमारे पास एडमिशन लो ऐसा कर। ओके, तो ये पूरा नोटिस थी। नोटिस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।